तो ये है मेरी गांव की खेती का फसल। ये गेहूं कट रहा है, हमने यहाँ गेहूं बोया था। तो गांव में देखो कितनी बड़ी बड़ी पिसिया हो जाती है, मतलब इसको गेहूं भी कहते हैं, पिसिया भी कहते हैं। तो मेरे यहाँ जो हमने कटाइयाँ लगवा दी है भूस पे, तो हमारे घर में कोई काटने वाला नहीं था, तो इनको भूस जो निकलेगा इसका, तो इनको पूरा भूस दे देंगे और भूस कटाई हो जाएगी। यहाँ कटाई होने के बाद ये सुखाएंगे, पूरा बांधते जा रहा है हल्की आल, और सूख जाएंगे, इनको सुखाएंगे। पहले 3-4 दिन इनको सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसे फिर ये थ्रेसर में कतराएंगे। ये गेहूँ अलग हो जाएगा, भूसा अलग हो जाएगा, तो कतरा जाएगा जो गेहूँ। तो हमने इसलिए ठेका दे दिया, हमने कहा इसको काटने वाला कोई नहीं है तो काटो, तो कटवा रहा है। तो गांव में ऐसी इस समय बहुत ज़ोरों से कटाई चल रही है गेहूँ की और मटर की भी, और सरसों बहुत कट रही है। सरसों हैं, अरहर है, और कट गई है। अब 2 दिन शायद और लग जाएंगे इसमें, इसके बाद कट जाएगी। फिर 3-4 दिन इसको सुखाएंगे, फिर इसको थ्रेसर पे कतराएंगे। तो ये हरी हरी बालें दिख रही हैं यहाँ पे, हरी हरी बाल हैं। जितनी हम काट लेंगे इनको, जितनी निकलेंगी हम काट लेंगे इन्हें, किसी से कटवा लेंगे, मतलब हम नहीं काटेंगे, नहीं से कटवा लेंगे। तो हरी हरी बाल जितनी निकलेगी हम काटेंगे, इससे फिर इसको भूंजेंगे। तो अब भूंजेंगे, हम आपको दिखाएंगे फिर क्या है। वो गेहूँ भूंज ले, 2-3 किलो गेहूँ भून जाए, फिर उसको बालें कूट के उसका गेहूँ अलग, भूसा उसका जल जाता, वो अलग हो जाता। उसको फिर चकिया से पीसो, घरे एक चकिया पुराने उसमें चलती थी, चकिया हमारे हैं, पुरानी चकिया घर में चलती थी, तो रखी है चक्की या चाची के यहाँ, तो उससे पीसेंगे, नहीं पीसेंगे तो चक्की से पिसा लेंगे। फिर उसके पुआ बना, माल पुआ फैल है उस गेहूँ के, मुझे गेहूँ के पुआ खाओ, मालपुआ कुछ भी नहीं लगेंगे उसके आगे, इतने मुलायम रहते, इतने सॉफ्ट, ये लगता है कि बिल्कुल ये ऐसे दबते बिल्कुल मुलायम। अब हम बनाएंगे जिस दिन आपको बताएंगे, अभी तो बालें कटाएंगे फिर इनको भूंजेंगे। अभी तो कटाई चल रही है, जो हरी हरी पिसिया जो चाची जा रही हैं हमारी, चाची जाने कहाँ पे गई थी, चाची जा रही हैं। ये भी इसमें भी मटर बोया था, मटर भी कट गया इसका। अच्छा, इधर जा रही हैं पानी पीने। तो ये है मेरी कटाई, तो ये है गांव की खेती। थक जाते हैं तो बैठ जाते, सताने लगते क्योंकि धूप ज़्यादा है, आराम करने लगते थोड़ा। इसमें कहीं कहीं हरी है अभी, लेकिन काट रहे हैं। हमने इनसे बोला था कि जो हरी हरी पेड़ निकले वो उनको अलग रखते जाना, क्योंकि अभी सरसों भी खड़ी है इसमें, पूरी सरसों नहीं कट पाई, तो सरसों से दिक्कत हो रही गेहूँ काटने में ना। बहुत बड़ी बड़ी बाल है और बड़ा बड़ा पौधा है गेहूँ का। तो ये है मेरे मायके की खेती, और ससुराल की तो चलेगी, ससुराल की तो देखी ही नहीं। तो ये मायके में कटाई हो रही है मेरे पापा के यहाँ, तो हरी हरी बालें जो निकली थी हमने मंगाई, और यहाँ पिताजी इनको भूंज रहे हैं। देखो ऐसे बना लेते हैं, जैसे इकट्ठा कर लेते तो भूंज रहे हैं। तो ये भूंजेंगे बालें, इसके बाद इनको अलग झरा देंगे, थोड़ा थोड़ा भून जाएंगे, थोड़ा अलग कर देंगे। तो सरसों जो रखी थी आधी कट गई, आधी अब खेत में खड़ी है, तो उसी को इनने थोड़ा कूट लिया, तो उसी में आग लगा दी, उसी से ये बाले भूंज रहे हैं। तो बाले हमने 1 साल हो गई, शायद शादी हुई जब से, हमने भूजे गेहूँ उनके पुआ नहीं खाए। तो हमने कहा पापा से कि पापा मुझे गेहूँ के पुआ खाना, तो ये बाले भूंज रहा है पापा में, तो इतनी सारी बालें भूंज रहे हो जाएगा, 2-3 किलो गेहूँ तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से भूंजती हैं बालें।
वो भुन जाएंगे, फिर उनको अलग झरा देंगे। बहुत बड़ी बड़ी गेहूँ हो गया। ये हमारे पापा हैं, 90 साल के हैं हमारे पापा। ये भुजने सूर में रख दें हम भुज के, तो ये भुन चुकी हैं। अगर और हैं